मेरा नाम रविंद्र बेहरा है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार कामत है, पिता का नाम श्री हरिनारायण कामत है। मैं बिहार मधुबनी जिला ग्राम झिटकी थाना लौकी से हूँ। मेरा नाम अब्दुल कलाम खान है, मैं यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के बरही गांव का रहने वाला हूँ। मैं मुख्तार अहमद, मैं गोंडा से आया हूँ। मेरे पास मात्र एक बीघा खेती है, एक बीघा खेती में मैं अपने बच्चों को गुजारा करता हूँ। उसी में साग सब्जी बो देते हैं, खाने का हो जाता है, और उसी में जो है जो भी है वही एक बीघा है, बाकी हम लोग मोल लेकर खा लेते हैं। ये मजदूरी करके अगर मोल लेकर न खाएं तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे और स्कूल क्या प्राइमरी में भी नहीं जा पाएंगे। बहुत महंगाई की वजह से बहुत परेशानी थी, खेती कर नहीं पाया, थोड़ी खेती थी और खेती की वजह से मुझे बच्चों का पालन पोषण ना हो सका, इसलिए मैं बम्बई आया। तो वहाँ पे हम लोग खर्चा पे इसमें अनाज के लिए तकलीफ, पानी का तकलीफ, वैसे हम लोग ने वो खेती भेज दिया, भेज के हम लोग बम्बई में आया रहने के लिए। फिर बम्बई में मजूरी कर रहे हैं हम लोग, दूसरे का बर्तन घस के पेट भरते हैं हम लोग यहाँ पे। किसान यानी एक बीघा खेत था मेरे पास, मेरी 5 बहनें थी, मजबूरी ये थी कि हम लोग का पेट भरता नहीं था उतने खेत के अंदर, और फिर हम लोग इसके उसके घर दूसरे खेत में मजदूरी करते थे, और उस खेत में एक बीघे में इतनी पैदावार होती थी कि हम लोग 2 महीना 2.5 महीना इससे ज्यादा नहीं खा पाते थे। बम्बई में तो बहुत दिक्कत आती है, अभी इतने तो आमदनी नहीं है, पगार नहीं है हम लोग की, इतने 3 बच्चे हैं हम लोग के, उनको पढ़ाना लिखाना। पानी है ही नहीं गाँव में, पानी ऐसा है इधर बोरिंग है, बावड़े 2-3 महीना बारिश के टाइम में पानी मिलता है, उसके बाद में पानी का इतना टेंशन होता है, इधर उधर से लाओ और सब चलाओ। सारे लोग खेती करते हैं और खेती करने के बाद में उतना मजदूरी भी नहीं निकलता है, क्या हम बेचेंगे, क्या हम बच्चों को खिलाएंगे, क्या खेत में भर्ती लगाएंगे, ये भी नहीं हो पाता है। महंगाई इतनी है और खेती में जो है इतना पड़ोता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ना ट्यूबवेल है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। खेती से इसलिए परवाह नहीं पड़ रहा है कि कभी सुखार कभी दहार, पंप से खेती करता हूँ, डीजल इतना महंगा हो गया है कि 65-70 रुपये लीटर मिलता है, उसमें जो फसल उगाते हैं वो हमको मुआवजा सही ढंग से नहीं मिलता है। क्या करेगा, किसको गांव में बोलने जाएगा, सरकार का भी ऐसा है कुछ पैसा मिला नहीं मिला इसे तंग करते, कुछ कर्जा निकालने जाएगा तो कर्जा भी नहीं बराबर मिलता है, और मिला समझो किसको मिला तो भी उसका कोई बराबर नहीं, फिर अगर वो चुकाने का टाइम नहीं आया तो उसका कुछ भी आदमी का जान पे आ जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। किसान लोग क्या करेंगे, ऐसे तो आत्महत्या करेंगे, पानी नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, जब पानी होएगा जब तो अनाज आएगा उसी में तो वो लोग गुजारा होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। डैम में से पानी देते हैं तो कभी नहीं मिलता है, तो खेत जो हम लोग करने वाले हैं वो भी नहीं मिलते हम लोग को खेत में पानी, तो खेत में पानी नहीं मिलेगा अनाज कहाँ से आएगा, और ऐसा कर दिए आज के डेट में अपने उड़ीसा में ताकि सामने वाला आगे जाए कि मरने का सेवा कुछ मिलेगा। फायदा होगा तो कुछ भी कर सकता है, अगर नुकसान है तो खेती बाड़ी करके फायदा क्या। सरकार हम लोग मदद करना चाहिए ना, बम्बे में वही हालत है जैसे गाँव में है, यहाँ पे इतना महंगाई, इतना हर चीज का महंगाई में खरीदी करना पड़ रहा है हम लोग, जो काम है तो वही पैसा नहीं पूरा पड़ता है ना, डॉक्टर को दवा देना पड़ता है, इधर हर चीज का इधर पे प्रॉब्लम है। तब बड़े बड़े वादे करते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट किसान को सब्सिडी और दे दे, किसान को लाइट दे, तो किसान शहर नहीं आएगा, फिर शहर में जो शहर के लोग हैं अच्छे तरीके से लाइफ जी सके, उनको ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम जो शहरों में आती है, किसान गांव में खुद रहेगा, बड़े जो शहर के शहर में खुद रहेंगे, दोनों का काम होगा, तो ये सारी जिम्मेदारी की सरकार की बनती है। इलेक्शन होता है सब बोल के जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता है। हाँ, सरकार को ये करना चाहिए कि वहाँ पानी की सुविधा करनी चाहिए, खत की जो मांग है उसके ऊपर थोड़ा कम दर में आना चाहिए। बोलते हैं कि लोन मिलेगा आपको, लेकिन बोल बोल करके जो है सो बैंक पे जा जा कर जो है सो आदमी परेशान हो जाता है, लास्ट में बैठ जाता है घर, उसमें भी जो है सो डोनेशन चाहिए उसके बाद लोन मिलेगा आपको। काम बराबर मिलता नहीं, किधर नौकरी ही नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से ये गांव खत्म है, सब काम कर रहा है और अपना रोज का रोज निर्वाह चला रहा है। मुंबई में पहले तो इधर उधर काम करता था, अभी एक छोटी सी मोबाइल साहब की दुकान ले भाड़े पे लेके उसी को चला रहा। अगर खेती हम लोगों को सही ढंग से हो तो हम लोग जो है सो मतलब परदेश नहीं आएंगे, गांव में ही अपना खेती करेंगे, सब कुछ करेंगे,
अपने परिवार फैमिली के साथ रहेंगे। तुमको जो ऊपर पहुंचाए, जो मंत्री बनाए, तुम्हारे एक विश्वास रखते हैं दिल में कि एक मंत्री आया कुछ करेगा, लेकिन आज तक ये नहीं कर पाए। सबको ऐसा लगता है कि सबके लिए कुछ किया है, लेकिन मेरे लिए कुछ किया नहीं है। मैं एक लड़का हूँ, मेरा एज ये अभी है 25 एज है मेरा, लेकिन आज तक मेरे को ऐसा लगा कुछ मेरे लिए कुछ किए नहीं है और मेरे परिवार के लिए कुछ किए नहीं। अगर आपको ये बात अगर आपके कान में जाए तो हो सके तो अपने गाँव में अपने तरफ थोड़ा ध्यान देने। जय हिंद।